हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहाँ से उन मछुआरों के गांव पहुँचने में रणवीर जी को कितना वक्त लगेगा? मौसम अगर ऐसा ही रहा तो तकरीबन 2 घंटे लगेगा। अगर उस दिशा की तरफ बढ़ते रहोगे तो सुबह होने से पहले ही तुम मछुआरे के गांव तक पहुंच जाओगे। संभाल के जाना रणवीर जी, और वहां पहुंचते ही मदद भेजने की कोशिश करना, और अगर कोई मदद करने से मना कर दे तो उनसे कहना कि सीआईडी ने भेजा है। ठीक है रणवीर जी, उन लोगों को इस टापू पे आने का तरीका भी बता दीजिएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो। ठीक। संभाल के हो जाएगा। उम्मीद तो यही करते हैं, पर हकीकत यह है कि वो बदमाश हमसे 2 कदम आगे है, और हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सर, जिस जगह पर हम पर हमला हुआ था उस जगह से इस टापू के लोगों ने उन हमलावरों से हथियार छीन लिए। सर, बंदूकें तो हमारे पास बहुत हैं, पर गोलियां बहुत कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करनी होगी। आप चिंता ना करो, अगर आपके आधुनिक हथियार खत्म हो जाएंगे ना तो हमारा देसी हथियार है ना, तीरों से आपके गोलों से हमला करेंगे, दुश्मन को नेस्त नाबूद कर देंगे। हमारा सब आदमी आपके साथ है। एकता में बहुत ताकत होती है, कल सुबह इस ताकत को हम आजमाएंगे। जीने का जज्बा कमाल का है यार। हाँ जी, ये बात तो है, ये लोग जीना चाहते हैं इसीलिए लड़ना जानते हैं, और वैसे भी जीवन एक संघर्ष ही तो है। संघर्ष है तो जीवन है, जीवन है तो संघर्ष है। वैसे हम लोगों ने भी कम संघर्ष नहीं किए यार 16 साल में सीआईडी की नौकरी में। पिछले 16 साल में सीआईडी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना बड़ा खूबसूरत सा परिवार दिया जिसमें ऐसे भी साहब है, तुम हो, फ्रेडी, सचिन और हर्ष। तुम नहीं सुधरोगे। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये जंग जीत जाए हम लोग, उसके बाद तुम सबको अपने घर बुला के अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा। तुम खाना बनाओगे? नहीं नहीं, खाना तो यार अच्छा बनाते हो तुम, लेकिन एक बात की चिंता हो रही है। क्यों, क्या बात है? यार ऐसे भी साहब घायल है, जंग में वो शामिल जरूर होंगे, मानेंगे नहीं। मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ हो जाए। तो क्या करें? कुछ तो करना होगा यार।
सर, यहाँ के वैद्य ने जड़ी बूटी तो दे दी है, लेकिन आपको जल्द से जल्द शहर चले जाना चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। क्या तुम क्या कह रहे हो रजत? एक मामूली सी गोली तो लगी है, उसके लिए मैं आराम करने चले जाऊं? अभिजीत समझाओ इस रजत को। मुझे कह रहा है शहर जाके आराम करो। एक मामूली सी गोली क्या लगी, खामखा परेशान हो रहा है। ये बात है सर। रजत तुम्हें निखिल उसको कुछ मदद चाहिए जरा। ये सर ये दवा पी लीजिए, इससे आपका दर्द कम हो जाएगा और घाव जल्दी भर जाएगा सर। बाप रे, इतनी कड़वी है अभिजीत, क्या है क्या है? सर आराम मिल जाएगा जल्दी। अच्छा कल हमले की तैयारी होगी कल के? हाँ हाँ सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। आप थोड़ा आराम कर लीजिए सर। हाँ हाँ अभिजीत, लेकिन देखो बड़े खतरनाक लोग हैं, बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं वो लोग। अभिजीत अच्छा नींद सी क्यों आ रही है? आप चिंता मत कीजिए सर, हम उनके प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। और देखो अभिजीत, साळुंखे को बचाना होगा, बचाना ही होगा साळुंखे को। पता नहीं उस क्या हो रहा है मुझे अचानक सा, किसी भी हालत में उसे साळुंखे को बचा। अभिजीत ये क्या हो रहा है, क्या पिलाया तुमने मुझे? कुछ नहीं, आप आराम करिए सर। नहीं अभिजीत, झूठ बोल रहे हो तुम। अभिजीत नींद की दवाई पिला दी तुमने, बहुत गलत किया अभिजीत। सॉरी सर, आप हमारे लिए बहुत अनमोल हैं, हम आपको खोने का खतरा नहीं उठा सकते सर। सॉरी जी, वो लोग बहुत चालाक हैं और होशियार हैं, इससे पहले उन्हें भनक लगे हमें उन पर हमला बोलना पड़ेगा। आप अपने आदमी को तैयार कर लीजिए, ठीक है? संभाल के मंगज, क्या हो गया? जल्दी चलो वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे। रुक जाओ, ये कोई खतरनाक राक्षस नहीं, बूढ़ा भेड़िया है, ये हम पर वार नहीं कर सकता। कोई बूढ़ा भेड़िया नहीं है, भयानक जानवर है, इससे पहले भी इसने हम पर हमला किया था। ऐसा आपको इस धुंध की वजह से लग रहा है? धुंध? कैसी धुंध? इस द्वीप के कई हिस्सों में कुछ ऐसे पेड़ है जिससे गर्म हवा निकलता है, जिसकी वजह से ये धुंध होता है और इंसानी दिमाग चकरा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करें? अब इन आवाजों पर ध्यान मत दीजिए, चलिए ये आवाजें धीरे धीरे अपने आप चली जाएंगी। आइए चलिए। एक मिनट, ये जंगल के बीचों बीच अजीबोगरीब खंभे कैसे? चीफ, इन खंभों के बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं, मैं और मेरे लोग कभी इस इलाके से गुजरे नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है। नहीं 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 नहीं, रुक जा, हाथ मत लगाना। ये खंभे जानबूझ के लगाए गए हैं ताकि कोई यहाँ से आगे ना जा सके, समझे? इसके नाक और कान में से खून आ रहा है, लगता है इसे ब्रेन हेमरेज हुआ है। शायद इन खंभों में सुपरसोनिक वेव्स हैं, और ये वेव्स इतने खतरनाक हैं कि इसके बीच में से अगर कोई जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। अब हम आगे कैसे बढ़े? सर यहाँ से तो जा नहीं सकते, कहीं और से जाना पड़ेगा। रास्ता तो यही है, यही से जाना पड़ेगा। लेकिन सर हम इन खंभों के बीच में से भी तो नहीं जा सकते ना? क्या कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा उस तरफ जाने के लिए। अभिजीत, इन खंभों के ऊपर से जाए तो शायद कुछ नहीं होगा। सर मगर इसके ऊपर से जाएंगे कैसे? एक तरीका है,
अभिजीत एक एक को भेजो। रजत संभाल के। आराम से। सचिन जा। आराम से आराम से आराम से। रेडी। तुम बिना करी आराम से श्रेया आराम से। तारिका संभाल के। और भी आएंगे सामने लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। एक साथ हमला नहीं करेंगे तो अलग अलग ग्रुप में जाएंगे। दो दिशाओं से हमला करते हैं ताकि ये लोग संभल ना पाए। ठीक है, हम लोग पश्चिम की दिशा से हमला करते हैं। अच्छा, आप अपने आदमियों के साथ पूरब की दिशा से हमला करना। और हाँ, आपके साथ फ्रेडी पूर्वी निखिल और पंकज आएंगे। बहुत तैयार है। करंट है इसमें। इस इलेक्ट्रिक तार को इंसुलेटेड कटर से काटना होगा। इंसुलेटेड कटर लिखा।
तुम लोगों को लेकर निकलो, रेडी निकल, पंकज जल्दी निकलो इसके साथ। जल्दी करो, जल्दी करो। सीआरडी मेन बेस में घुस गई है। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन लेकिन ये काम इतनी जल्दी? सिर्फ 5 मिनट है तेरे पास। ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, अंजाम अंजाम चाहिए मुझे। ओके ओके। बस काम शुरू हो चुका है, बस थोड़ी देर और। कुछ भी करके हमें इसे रोकना होगा। सर उन्हें वहां बांध के रखा है, इन लोगों को यहां से छुड़ा के सावधानी से लेके जाना होगा। सर पहले इन गुंडों से निपटना होगा। हम लोग साइंटिस्ट हैं, हमें जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ के रखा गया है। आपको पता है इस मिसाइल को कैसे रोका जा सकता? इस मिसाइल को फटने से कोई भी नहीं रोक सकता। डॉक्टर सारुंखे कहाँ हैं? छोटे कद के हैं, मुझे उनकी फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे कुछ दिन पहले लाया गया था, उनको कहाँ है वो? नाम तो पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसे एक डॉक्टर को यहाँ पर बंदी बनाया गया है। कहाँ पे?
ये सीधे जाके राइट में एक जेल है वहां पर। सर अब प्लीज आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमारे छोटे भागो, जल्दी जल्दी भागो, निकलो निकलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सालुके, डॉक्टर साहब, पढ़ो ना, डॉक्टर साहब, शेर पानी ले आओ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सालुके साहब, सालुके साहब, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? सर यहाँ पे हो क्या रहा है? आपको इस टापू पे लाने का रहस्य क्या है? एक्चुअली कॉलेज टाइम में मैंने एक रिसर्च की थी जिसमें दो केमिकल्स को अगर बराबर मात्रा में मिला दिया जाए तो एक भयानक बायोलॉजिकल वेपन बन सकता है। सर आपकी मदद से इन्होंने ये खतरनाक मिसाइल लॉन्च किया है। क्या मिसाइल लॉन्च हो गया? डॉक्टर साहब अभी एक मिसाइल यहाँ से फायर किया गया है, पता नहीं वो किस दिशा में जाएगा। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब इस मिसाइल को रोकने का कोई तरीका नहीं? हाँ अभिजीत, हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। कंट्रोल रूम में कुछ मिलेगा, कंट्रोल रूम मिलेगा। कंट्रोल रूम कहाँ है? वो उधर। ये मिसाइल जा कहाँ रही है डॉक्टर साहब? निशाना कहाँ है इसका? माय गॉड, ये मिसाइल तो मुंबई की तरफ जा रही है। मुंबई? इस मिसाइल को रोक नहीं सकते? नहीं दया, ये मिसाइल अगर फट गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा, लाखों लोग मर जाएंगे। सर अगर मुंबई पहुंचने से पहले इस मिसाइल को समंदर के ऊपर ब्लास्ट करवाते तो शहर को तबाही से बचा सकते ना? नहीं 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 नहीं, मुझे पता है ये मिसाइल तभी फटेगी जब इसके दोनों केमिकल्स आपस में एक समान मात्रा में एक साथ घुल जाएंगे, और इन केमिकल्स को घुलने का टाइम निश्चित कर दिया गया है यार। तो सर हम इसका प्रोग्राम नहीं चेंज कर सकते? मैं ट्राई करता हूं, करता हूं। सर लगता है वो लोग हमारा पीछा करते करते कंट्रोल रूम तक पहुंचे, उन्हें रोकना होगा। अब सर आप कोशिश कीजिए मुंबई पहुंचने से पहले ये मिसाइल समंदर के ऊपर ब्लास्ट हो जाए, हम लोग उन्हें रोकते हैं। मुंबई से थोड़ी दूर है। आई नो तारिका, इन्हें सब बहुत ध्यान से करना पड़ेगा।
जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो? नहीं सर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये काम कर सकते हैं। आप बस कॉन्सेंट्रेशन से करिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन सर। होशियारी नहीं आप, मतलब तुम्हारी ऑफिसर चांद साहब तो बैठेगी। दरिका उधर वो चौथा बटन, उसे पुश करो। हाँ। ऊपर से दूसरा। तेजी से एक दूसरे में मिल रहे हैं, जैसे ये केमिकल्स एक दूसरे में मिल जाएंगे बस समझ लो हमारा काम पूरा हो गया। ए, अभिजीत तुम प्लानिंग एक्चुअली मेरी थी। दरअसल अपनी रिसर्च करने के दौरान मुझे कुछ पुरानी फाइलें मिली जिसमें इस आइलैंड पर रखे गए उन हथियारों की जानकारी थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल हुए थे। मैंने इस आइलैंड को चूज कर लिया और वो हथियार बनाने लगा और हमने आकर खुदाई की और अजीबोगरीब किस्म के केमिकल बरामद किए और फिर हथियार बनाया। बसुन, मिसाइल्स को छोड़ने की इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, लेकिन थैंक्स फॉर डॉक्टर सालुके, हमने इनका इस्तेमाल किया। अब वो मिसाइल्स कोई नहीं रोक सकता। कुछ ही देर बाद पूरी मुंबई महानगरी बूम बूम बड़ा से 20 सेकंड बचे हैं। सर की कुछ भी कर, मिसाइल को रोक।
ये क्या हो गया अचानक? ये वाइब्रेट क्यों हो रहा है? इस द्वीप पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसे मैंने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा, सब देश नष्ट हो जाओगे तुम। बस बस इस इलेक्ट्रिक चार्ज को रोकना होगा कुछ भी करके। कैसे सालूंगे? कैसे? ये जनरेटर को तोड़ना होगा। बाहर एक जनरेटर है, तोड़ना होगा उसे। अरे कहाँ जनरेटर? बाहर है, जहाँ मुझे बंद करके रखा था। जी तैयार, जाओ जल्दी। अच्छा निकलो, तुम लोग भी निकलो, चलो निकलो बाहर, चलो कमान सारी कर सालूंगे। सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा घर, हमारा टापू को बचाया। नहीं मुखिया जी, अगर आपने और आपके बाद उन लोगों ने हमारी मदद ना की होती तो हम हमारे दोस्त डॉक्टर साळुंखे को और मुंबई शहर को भी बचा नहीं सकते थे। इसलिए आप सबको हमारा धन्यवाद। अब हम चलते हैं, खुशी से रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.